हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 26 मार्च 2024। दोस्तों, आज आपका सोशल साइंस का पेपर था। आशा करता हूं पेपर आपका बहुत बढ़िया हुआ होगा, क्योंकि सारा पेपर लगभग मॉडल टेस्ट पेपर में से है। और यहां पर पहला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 2,15,000 वर्ग किलोमीटर, 50,000 वर्ग किलोमीटर, 1,15,000 वर्ग किलोमीटर या 3,15,000 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर आपकी बुक के मुताबिक 2,15,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई, काहिरा, रोम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रोम। ठीक है, रोम। तीसरा प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन थे? कल्हन, तुलसीदास, अमीर खुसरो या सूरदास। आप सबको पता होगा तुलसीदास। रेगर मृदा किसे कहा जाता है? जलोढ़ मृदा को, काली मृदा को, लाल मृदा को या लेटराइट मृदा को। किसको कहते हैं? काली मृदा को। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया? 1972, 1960, 1980, 1950। इसका सही आंसर है 1972। अगला है, सरिस्का बांध रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस भाषा को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया? तमिल, सिंहली, मलयालम, तेलुगु। और इसका सही आंसर है सिंहली। प्रतिरक्षा एवं विदेशी मामले संविधान की कौन सी सूची के विषय हैं? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है संघ सूची। अगला प्रश्न है, संविधान में हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 11, 15, 23 या 21। आंसर है इसका 21। अगला है, 2019 में देश में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? 7, 10, 5 या इनमें से कोई नहीं। कितने थे? 7। अगला प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी। और इसका सही आंसर है द्वितीयक। 13वां प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा या सरकार द्वारा। उनके सदस्यों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 किस नाम से प्रसिद्ध है? कोपरा, ISI, RTE, RTI। इसका सही नाम क्या है? कोपरा। ठीक है, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भास्कर या विक्रम साराभाई। सही आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखिए, बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? पाकिस्तान, भारत, चीन या अमेरिका। भारत। लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लोह पुरुष बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? 1956, 1947, 1950, 1965। और इसका सही आंसर है 1956। कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है? राज्य, राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो उसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमानी करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, सभी धर्मों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है या उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यह बात इसकी सही नहीं है। और ये 21वां प्रश्न, ये आपने सब अच्छे से किए होंगे। 21, 22, 23 देखिए, ठीक है, तीन राज्यों के नाम बताओ जहां काली मृदा पाई जाती है। बिल्कुल आसान प्रश्न है सारे। आगे केस स्टडी आ जाता है, देखिए केस स्टडी में बिल्कुल इजी प्रश्न दिए हुए हैं। बेल्जियम की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? यहां इसका सही आंसर है चार, चार देशों से लगती हैं। ठीक है, डच भाषी लोगों को फ्रेंच भाषी लोगों से नाराजगी क्यों थी? क्योंकि फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। ठीक है ना,
आपको पहरे में ही पता लग जाएगा। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते थे? 1%, ये पहरे में लिखा हुआ है। डच और फ्रेंच भाषी समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप कहां दिखाई देता है? देखो यहां पे बिल्कुल पहरे में स्पष्ट लिखा है, ये देखिए उनका तीखा रूप कहां? ब्रुसेल्स में दिखाई देता है। और जो केस स्टडी का अगला प्रश्न है उसके आंसर देख लीजिए, भारत में बैंक जमा राशि का कितना हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखता है? 15%, पहरे में लिखा हुआ है। बैंक जमा राशि का प्रमुख रूप से किस कार्य में इस्तेमाल करते हैं? ऋण देने के रूप में। जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थ का काम कौन करता है? बैंक। ठीक है, बहुत आसान पेपर है ये आपका। बैंक की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? जो जमाकर्ता होता है उसके ब्याज में, और कर्जदाता जो कर्जदार है जिसको कर्जा देता है उसके ब्याज का जो अंतर होता है वही इसके जो आय का प्रमुख साधन होता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।